गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर फाइन. सो डियर चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टार्ट पोयम 6 एंड इट्स नेम इज अमेंडा एंड दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबिन कैलन. सो रॉबिन कैलर इज द पोएट हु रोट दिस पोयम अमेंडा. डियर चिल्ड्रेन, इन दिस पोयम वी विल रीड अबाउट अ गर्ल who always live in her own world, in her own dreams. Means, इसमें जो main character है वो एक लड़की है जो हमेशा ही अपने ही dreams में रहती है. Before starting the discussion or the summary of this concept, let's start the introduction of this poem. चलिए पढ़ते हैं. Amanda is a poem about child psychology. Amanda जो है वो एक child psychology पर पोयम है. चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में एक पोयम है. चिल्ड्रन लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. बच्चे जो हैं वो इस एज में, जब वो चाइल्ड मींस छोटे होते हैं, तब वो अपनी ही सपनों में, अपनी ही दुनिया में रहते हैं. इन दिस पोयम वी हैव ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ लिटिल गर्ल अमेंडा एंड हर मदर और हर गवर्नेस. मींस पोइट कहते हैं कि इस पोयम में जो लड़की है उन वो और उसकी मदर या फिर उसकी गवर्नेस, गवर्नेस मीन्स हु लुक्स आफ्टर हर, जो कि उसकी देखभाल करती हो. दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर आइदर द मदर इज कन्वर्सिंग विद हर डॉटर और द गवर्नेस इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू दिस गर्ल. दिस थिंग इज नॉट क्लियरली गिवन इन दिस पोयम, नहीं दी गई है. तो क्या है कि हम एक कन्वर्सेशन देखते हैं और वो कन्वर्सेशन किसके बीच में है, जो लिटिल गर्ल अमेंडा है वो और उसकी माँ या फिर उसकी गवर्नेस के बीच में है. द मदर इज स्कोल्डिंग द गर्ल अगेन एंड अगेन फॉर डूइंग और निग्लेक्टिंग समथिंग. अब माँ जो है, मीन्स वी आर जस्ट सपोजिंग दैट मदर इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू हर डॉटर. हम सिर्फ एक सपोज, एक मान लेते हैं कि यहां पर माँ जो है वो अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. तो इसमें क्या है, मदर जो है वो बार बार अपनी बेटी को स्कोल्ड कर रही हैं, डांट रही हैं फॉर डूइंग और निग्लेक्टिंग समथिंग. मींस कुछ गलत करने के लिए या कुछ चीजों को निग्लेक्ट करने के लिए. बट अमेंडा इज लॉस्ट इन ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन. लेकिन अमेंडा जो है वो अपनी माँ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है. शी इज नॉट इवन लिसनिंग टू वॉट हर मदर इज सेइंग. यहां तक कि वो ये भी नहीं सुन रही है कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा. द पोएम टेल्स अस दैट ग्रोन अप पीपल शुड अलाउ इनफ फ्रीडम टू द ग्रोइंग चिल्ड्रन. अब यहाँ पे पोएम हमें बताती है कि जो ग्रोन अप पीपल हैं, मीन्स लाइक मदर, गवर्नेस, पेरेंट्स एटसेट्रा, ऐसे जो लोग हैं उन्हें अपने बढ़ते हुए बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपनी इमेजिनेशन या अपने तरीके से भी कुछ कर सके. टू मच नैगिंग हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ए चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट. टू मच नैगिंग, नैगिंग मींस कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग. तो बहुत ज्यादा बच्चों को कंप्लेन करना या उनको जो है क्रिटिसाइज करना, दोनों ही बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं. मींस एक बच्चे का जो स्मूथर मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा रोक टोक करने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है. सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर दिस पोयम. सो लेट्स बिगिन द समरी ऑफ दिस पोयम. हम लोग शुरू करते हैं इस पोयम की समरी को. इन योर फर्स्ट स्टैंजा, What is the condition of Amanda? The speaker's advice to Amanda. In this first stanza, the speaker, you can say mother is giving advice to Amanda. उसकी माँ जो है वो Amanda को कुछ advice दे रही हैं. Amanda is a little school going girl. Amanda जो कि एक छोटी school जाने वाली बच्ची है. The speaker advises her not to bite her nails. अब जो स्पीकर है, मींस उनकी माँ जो है वो अमेंडा को कहती हैं कि बाइट मींस कट, उसको अपने नेल्स जो है वो कट नहीं करने चाहिए. द स्पीकर फर्दर टेल्स हर टू सिट अप स्ट्रेट एंड नॉट टू हॉन्च हर शोल्डर्स.
अब स्पीकर मींस मदर जो है उससे दोबारा कहती हैं कि उसको बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए एंड नॉट टू हंच, हंच मींस बैंड हर शोल्डर्स, और उसको अपने शोल्डर्स को झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। नाउ द सेकेंड पैसेज, फर्स्ट पैसेज में आपने पढ़ा कि पोइट ने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है कि एक माँ अपनी बच्ची को किस तरीके से बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे करके उसको कल्चर्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं। नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड स्टैंजा, अमेंडाज रिएक्शन। अब क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि माँ ने कितनी ब्यूटीफुली अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी। अब सेकेंड स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि माँ के इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस देने के बाद अमेंडा का रिएक्शन क्या है। अमेंडा डज नॉट पे एनी हीड टू द स्पीकर्स एडवाइस, हीड मीन्स डियर चिल्ड्रन अटेंशन। अमेंडा जो है उसको स्पीकर ने मीन्स उसकी माँ ने जो एडवाइस दी, जो सलाह दी, उस पर अमेंडा ने कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, मीन्स कोई भी ध्यान नहीं दिया। शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, वो जो है अपने ही थॉट्स में कहीं खोई हुई थी। शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज ए मरमेड हु इज स्विमिंग हैप्पीली इन द ब्राइट ग्रीन सी वॉटर। अब अमेंडा जो है वो किन थॉट्स में खोई हुई है, वो सोचती है कि अपने आप को क्या सोचती है, मरमेड, मरमेड इज अ सी क्रिएचर जो पानी में रहती है, फीमेल। अब अमेंडा जो है वो क्या सोच रही है कि वो एक मरमेड है जो कि ब्राइट ग्रीन सी वॉटर, सी का वॉटर कैसा है, ब्राइट ग्रीन, चमकीला हरा, जिसमें वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। वेरी ब्यूटिफुली शी इज इमेजिनिंग ऑल दीज थिंग्स, बहुत अच्छी तरह कर रही है और वो इसमें इतनी ज्यादा जो है खो गई है कि उसे अपनी माँ की इंस्ट्रक्शंस का कोई भी ध्यान नहीं है। नाउ स्टैंजा थ्री, द स्पीकर्स क्वेश्चन। अब जब माँ ने देखा है कि अमेंडा का कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया, तो अब क्या करती है, स्पीकर उससे क्वेश्चन पूछती है, मींस माँ उससे क्वेश्चन पूछ रही है। द स्पीकर आस्क अमेंडा वेदर शी हैज डन हर होमवर्क, क्लीन्ड हर रूम एंड पॉलिश्ड हर शू। जब उसका कोई रिएक्शन नहीं मिला तो माँ ने अमेंडा से पूछा कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने अपना रूम क्लीन कर लिया है और साथ ही उसने अपने शूज पॉलिश कर लिए हैं या नहीं। दीज वर द ऑल क्वेश्चंस विच वॉज आस्क्ड बाय हर मदर, जो कि उसकी माँ ने अमेंडा से पूछे। नाउ स्टैंजा फोर, अमेंडाज रिस्पॉन्स। अब अमेंडा का क्या रिस्पॉन्स आया माँ के क्वेश्चंस पूछने के बाद। अमेंडा डज नॉट गिव एनी रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस। अमेंडा जो कि अभी भी अपने ही ड्रीम्स में कहीं लॉस्ट है, खोई हुई है, वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन का कोई भी रिप्लाई नहीं करती, कोई भी उत्तर नहीं देती। शी हैज डन हर शी ड्रीम्स टू हरसेल्फ एज एन ऑर्फन हु इज वॉन्डरिंग अबाउट साइलेंटली एंड फ्रीली। अभी हमने सेकेंड स्टैंजा में पढ़ा था कि उस टाइम अमेंडा जब अपने थॉट्स में लॉस्ट है, खोई हुई है, तब वो क्या सोच रही है कि वो एक मरमेड है और वो ब्राइट ग्रीन कलर के वाटर में क्या कर रही है, स्विम कर रही है। वो वाटर कहाँ का है, सी का। नाउ अब अमेंडा जो है क्या सोच रही है, शी ड्रीम्स टू हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। अब वो क्या देखती है, वो सोचती है कि वो एक ऑर्फन है, ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हु डजेंट हैव पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है। हु इज वॉन्डरिंग अबाउट साइलेंटली एंड फ्रीली, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है और जो कैसे घूम रहा है, बिल्कुल चुप, जिसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं है एंड फ्रीली, फ्रीली मीन्स उसको कोई भी कुछ बताने वाला नहीं है, बिकॉज दैट चाइल्ड इज ए ऑर्फन, क्योंकि वो चाइल्ड कैसा है, एन ऑर्फन, अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है। अब ये इमेजिनेशन की है अमांडा ने इस टाइम। नाउ द फिफ्थ पैसेज इज द स्पीकर्स एडवाइस। अब अमांडा के रिएक्शन के बाद, उसका जो रिस्पॉन्स था उसके बाद, स्पीकर जो है वो उसको फिर एडवाइस देते हैं, मीन्स जो उसकी माँ है उसको फिर से कुछ सजेशन देती है। वंस अगेन, एक बार फिर, द स्पीकर टेल्स अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट एज इट वुड एड टू हर एक्ने प्रॉब्लम। अब इस टाइम जो है एक केयरिंग मदर अपनी बच्ची को क्या एडवाइस दे रही है, उन्होंने क्या सजेशन दिया, एक बार फिर से माँ ने अमांडा से कहा
कि वो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स ना खाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा चॉकलेट्स खाने से उसके एक्ने प्रॉब्लम मीन्स पिंपल्स, मीन्स कील मुहासों की प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। दिस वॉज अ वेरी केयरिंग एडवाइस फ्रॉम हर मदर साइड। और ये एक ऐसी एडवाइस थी जो एक केयरिंग मदर ही अपने बच्चे को दे सकती थी। नाउ द नेक्स्ट पैसेज इज अमेंडाज डे ड्रीम। अब अमेंडा का जो है वो डे ड्रीम क्या है? However, Amanda pays no attention to this advice. यहां तक कि Amanda जो है वो उस एडवाइस पर भी कोई रिएक्शन Amanda का नहीं था, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। She dreams of herself as Rapunzel who lived in a quiet tower without any care. अब ये थर्ड जो है ऐसा पैसेज है जिसमें सिक्स्थ पैसेज जिसमें Amanda जो है वो अपने माँ के वर्ड्स पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और वो अपने ही डे ड्रीमिंग में है, अपने ही दिवा स्वप्न में है। और अब वो क्या ड्रीम देख रही है? वो खुद को एक ऐसी रैपुंज़ल, एक ऐसी प्रिंसेस सोच रही है जो कि हु लिव्ड इन ए क्वाइट टावर विदाउट एनी केयर, जो कि एक ऐसे टावर में रहती है जिसको कि कोई भी जिसकी देखभाल नहीं करता और उसको किसी भी तरीके की कोई भी चिंता नहीं है। बहुत जो है पीसफुल लाइफ वहां पर वो सर्वाइव कर रही है। वो अपने आप को प्रिंसेस रैपुंज़ल सोचती है। नाउ द लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोयम इज द स्पीकर्स एंग्री वॉइस। अब जो अबव का ऊपर का जो भी रिएक्शन अमेंडा की तरफ से आया, जो भी उसने किया, उस पे जो स्पीकर है मीन्स माँ है, उनके एंग्री वर्ड्स मीन्स बहुत गुस्से में वो उससे क्या शब्द कहती हैं। बाय नाउ द स्पीकर लॉसेस हर पेशेंस। अब जो है क्या है, अब जो माँ है मीन्स जो वक्ता है, जो स्पीकर हैं, उनका पेशेंस मीन्स धैर्य जो है वो अपने ऊपर से पूरी तरह खत्म हो गया। शी टेल्स अमेंडा टू स्टॉप हर सल्किंग। अब क्या होती है, माँ जो है वो अमेंडा से कहती है स्टॉप हर सल्किंग। सल्किंग मीन्स हाइप और अ सैडनेस। अब वो जो वो एक अजीब ही तरीके की उसने क्या कर ली है, चुप्पी साध ली है, वो उसको खत्म करे। शी फर्दर कमेंट्स दैट, और वो उसके ऊपर फिर दोबारा से कमेंट करती है, मीन्स उससे दोबारा से कहती है, टिप्पणी करती है, दैट अमेंडा इज वेरी मूडी, कि अमेंडा जो है वो बहुत ज्यादा मूडी है। मूडी मीन्स मनमौजी, जो उसके मन में आता है वो वही करती है। पीपल वुड थिंक दैट शी ऑलवेज स्कोल्ड अमेंडा, और लोग ये सोचते होंगे कि उसकी माँ जो है वो अमेंडा को हमेशा डांटती ही रहती है। सो डियर स्टूडेंट, पोएट डिस्क्राइब होल द सिचुएशन वेरी ब्यूटिफुली थ्रू दिस पोयम। एक पोएट ने मीन्स रॉबिन कैलन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक माँ की केयर फीलिंग्स अपने बच्चे के प्रति यहाँ पर एक्सप्रेस की हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो चाइल्ड है अमेंडा है वो जो अपनी ही लाइफ में लॉस्ट है उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।